अरे रवि तो अपना टिफिन यहीं भूल गए यार, वो पूरा दिन ऑफिस में भूखे रहेंगे। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। हाँ हेलो रवि, तुम अपना लंच तो घर पे ही भूल गए। हाँ वो लंच, हाँ मैं खा लूंगा, बाहर खा लूंगा। नहीं नहीं मैं आ जाती हूँ ना ऑफिस देने। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, मैं बाहर खा लूंगा, तुम मत आओ। पक्का खा लोगे ना? अरे हाँ मैं पक्का खा लूंगा। चलो ठीक है बाय। ठीक है बाय। अरे ओ शिट, रवि तो अपनी डायरी भी यहीं भूल गए और उनके इम्पोर्टेंट नोट्स कहीं वो ढूंढे ना, उनको कॉल करती हूँ। अरे उनका तो फोन भी नहीं लग रहा, एक काम करती हूँ उनके फ्रेंड अकू को फोन करती हूँ। हाँ हेलो। हेलो अकू, मैं रवि की वाइफ बोल रही हूँ। वो एक्चुअली ऑफिस आए थे ना तो वो अपनी फाइल यहीं भूल गए। भाभी जी आज रवि तो ऑफिस आया ही नहीं। ऑफिस नहीं आए? ठीक है वो शायद कहीं और गए होंगे। ठीक है चलो बाय, थैंक यू। ठीक है भाभी जी। ये सुनहरा मौसम, ये काली रात और हम दोनों साथ। अब बस हम दोनों साथ ही रहेंगे। यहाँ से कहीं और चलें? कुछ खाने? जहाँ तुम बोलो। अच्छा तो ये ऑफिस चल रहा है तुम्हारा इस लड़की के साथ? तुम मुझे धोखा दे रहे हो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन तुम कभी नहीं मिल पाओगे। तो मैं एक बारी अपने आप को नीचे से ऊपर तक देखो और इसको देखो, तुम दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क है। तुम पता है कैसी लगती हो? जैसे गांव की देहाती औरतें है ना, बिल्कुल वैसे ही। मेरे को तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है और तुम्हारे साथ रहने में। मेरी किस्मत तो तब खराब हो गई जब मैंने अपने माँ बाप की बात मान ली। अच्छा होता नहीं मानता, कम से कम तुम्हारे साथ तो नहीं रहता। शादी की है ना मुझसे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। अब आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। जस्ट वेट एंड वॉच।